Vivica Learning Extra. Hi, this is Neha before you, and today my topic is soil erosion. ठीक है? So before we start, we will discuss about what is soil and its importance. ठीक है? तो soil क्या है और उसकी क्या importance है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. Soil is our life support system. Soil is very important for earth ecosystem. Okay? Soil अगर नहीं है तो कुछ भी possible नहीं हो पाएगा. Soil बहुत कुछ provide करती है. Soil roots को strength provide करती है, nutrients provide करती है plant को और tree को, plant को, और water को hold करती है. ठीक है, इसमें बहुत सारे nutrients होते हैं. Soil में बहुत सारे छोटे छोटे से microorganism जो हम देख भी नहीं सकते, वो insects, उनका घर है soil. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स वहाँ रहते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं, और डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को. ठीक है, सो सॉइल प्ले वाइटल रोल इन अवर अर्थ इकोसिस्टम. ठीक है, और इनमें क्या क्या होता है, मिनरल्स होते हैं आपके, ह्यूमस होता है, वाटर होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. सॉइल बनती कैसे है? सॉइल रॉक्स के लगातार ग्रेजुअली ब्रेकिंग डाउन. ओके, जब लगातार रॉक ब्रेक डाउन होता जाता है और फाइनली वो फाइन पाउडर में बन जाता है, पाउडरी हो जाता है, तब उसको हम सॉइल कहते हैं. सॉइल रॉक से बनता है और इसको हम वेदरिंग कहते हैं. क्लियर? सो अब कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज सॉइल इरोजन. सो अब हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस सॉइल इरोजन क्या है. तो रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. ओके, यानी कि सॉइल की सबसे ऊपर टॉप वाली जो लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, उस लेयर का हट जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है. ठीक है, सॉइल इरोजन होने से धरती, वहाँ की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो बैरन हो जाती है और क्रॉप के लिए कैपेबल नहीं होती, अच्छे प्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होती. ओके, और ये जो सॉइल इरोजन है ये ऑलमोस्ट एवरी लैंड, हर लैंड में, हर सॉइल में होता है. ठीक है, इसके प्राइम एजेंट्स क्या रहते हैं, वाटर, विंड, ये सब रहते हैं. ठीक है, तो इन्हीं के कारण सॉइल इरोजन हो जाता है. ये इनके एजेंट्स रहते हैं सॉइल इरोजन करने के, और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सॉइल बैरन हो जाती है और वहाँ की फर्टिलिटी सॉइल की लो हो जाती है. ठीक है, सो सॉइल इरोजन क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर इज कॉल्ड ऑफ सॉइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. ओके, सॉइल इरोजन क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. देर आर मेनी टाइप ऑफ सॉइल इरोजन. सो फर्स्ट इज रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन. व्हाट इज रेन, मतलब इसमें आप क्या समझेंगे, रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन क्या है, व्हाट इज स्प्लैश इरोजन. तो इसमें क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप्स की फॉलिंग रेन ड्रॉप्स हैं, इनका जो इम्पैक्ट होता है, इससे जो इरोजन होता है उसको हम कहते हैं स्प्लैश इरोजन. उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लैश इरोजन. ठीक है, तो जब बारिश की बूंदों की जब गिरने का इम्पैक्ट होता है ना, उससे जो इरोजन होता है उसे हम रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इरोजन इज शीट इरोजन. शीट इरोजन, जैसे कि नाम ही है शीट इरोजन, तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक थिन लेयर पूरी साफ हो जाती है, तो वो पूरी शीट की फॉर्म में हट जाती है, तो इसीलिए इसको हम शीट इरोजन कहते हैं. ठीक है, ये होता है बाय विंड. नेक्स्ट इज रिल इरोजन, RILL, रिल इरोजन. रिल इरोजन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इरोजन वी कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेनी सीजन या हैवी रेन.
हैवी रेन के समय हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग हैवी रेन, और क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर रनिंग ऑफ होने से भी ये फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके के इरोजन को हम वाटर इरोजन भी कहते हैं, और इससे इरोजन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज गुली इरोजन। गुली इरोजन में क्या होता है, इस टाइप के इरोजन में सॉइल की फर्टिलिटी रिमूव होती है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रेंज लाइंस होती हैं उनके थ्रू होती है, यानी जो ड्रेंज लाइन है जो सरफेस वाटर पे रन ऑफ हो रहा है उनका, उससे जो इरोजन होता है फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है, उससे उसी को हम कहते हैं गुली इरोजन। क्या कहते हैं, गुली इरोजन। नाउ कम टू द कॉजेस, कि इसके कॉजेस क्या हैं, कैसे होता है ये, या क्या करें, क्या हो जाता है जो ये सॉइल इरोजन कॉज होता है, सॉइल इरोजन होता है, सॉरी, इसके कॉजेस हम बताने जा रहे हैं। पहला कॉज है ड्यू टू सॉइल टेक्सचर। हर सॉइल का अपना टेक्सचर होता है, दे हैव डिफरेंट टेक्सचर्स, ओके। तो जो सॉइल लूज टेक्सचर की है, लूज है, उसमें सॉइल इरोजन जल्दी होगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसकी टेक्सचर लूज है, उसमें बाइंड अप नहीं हो पाएंगे वो जल्दी से, अगर हवा जोर की विंड चलती है तो वो उड़ जाएंगे, जोर का वाटरफॉल होता है तो भी हट जाएगी, तो इसके इससे क्या होगा, कॉज होगा सॉइल इरोजन, और ये कारण है, सॉइल टेक्सचर एक बहुत बड़ा कारण है ड्यू टू सॉइल टेक्सचर। नाउ नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, जितनी तेज़ रेनफॉल होगा उतना ही ज़्यादा सॉइल इरोजन होता चला जाएगा, तो इसकी इंटेंसिटी पर भी ये बात डिपेंड करती है। नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन होने का। इसमें क्या रहता है कि जो हमारे हम आसपास अपने देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से टेक्निक्स न्यू यूज़ करी जा रही हैं, और अर्बनाइजेशन हो रहा है, और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इन सब से क्या हो रहा है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से सॉइल इरोजन हो रहा है, और न्यू मतलब क्रॉप को बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, सॉइल को सॉइल पर इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, सॉइल पॉल्यूटेड हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, ये सब भी एक तरीके से सॉइल इरोजन का कारण है। नेक्स्ट टॉपिक इज डीफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डीफॉरेस्टेशन, यू नो डीफॉरेस्टेशन का मतलब है ट्रीज का कटता जाना, काटते जाना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओके। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के बढ़ने से सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ ट्रीज की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड अप करे रहती हैं, उड़ने नहीं देती हैं, इसलिए डिफॉरेस्टेशन होने से, डिफॉरेस्टेशन जब होता है तो सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, क्योंकि रूट्स बांध नहीं पाती हैं, जहाँ ट्री ज़्यादा होंगे वहाँ सॉइल इरोजन कम होगा। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, कटिंग डाउन, पेड़ों का कटता जाना डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन है, और डिफॉरेस्टेशन होने से सॉइल इरोजन होता ही होता है। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। बिसाइड ऑल दिस कॉजेज बट मोर इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा ग्रेजिंग करवाने से, जानवरों को चरवाने से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, ओके। और इसीलिए ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए, ओवर ग्रेजिंग से सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर हट जाती है, और इससे कॉज हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, ओके। दैट्स ऑल। सो टुडे हमने क्या क्या पढ़ा, सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, और सॉइल इरोजन के टाइप्स कैसे कैसे क्या होता है, सॉइल इरोजन कौन कौन से तरीकों से होता है, कॉजेज भी पढ़े, सब कुछ पढ़े। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।